हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल मल्टी सुपर स्टेटस। तो दोस्तों, मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ लवी ऐप के बारे में। स्लाइड शो वीडियो बना सकते हो फोटो का, तो किस तरह बनाते हैं तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ दोस्तों। तो लवी ऐप कैसे डाउनलोड करते हैं मैंने आपको बता रखा है, आप प्ले स्टोर से जाके डाउनलोड कर लेना, नहीं तो मैं आपको इस ऐप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से जाके डाउनलोड करना है। तो दोस्तों, लवी ऐप पे स्लाइड शो स्टेटस वीडियो कैसे बनाते हैं तो मैं आपको बताने। तो सबसे पहले आपको लवी ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, मैंने कर रखा है ये देखो। तो आपको लवी ऐप को ओपन करना है, तो ओपन करने के बाद दोस्तों इस तरह का आपका स्क्रीन होगा लवी ऐप का। तो आपको इसमें अपना स्लाइड शो फोटो का स्टेटस बनाना है। तो दोस्तों, यहाँ पे मैंने स्लाइड शो फोटो कैसे बनाते क्रिएट, तो आपको यहाँ पे दो ऑप्शन मिल जाएंगे, यहाँ पे चूज इमेज है और यहाँ पे स्लाइड शो है। तो मैंने चूज इमेज पे कैसे वीडियो बनाते हैं उसके ऊपर मैंने वीडियो बना रखा है, आप उसको वीडियो को जाके देख लेना। मैं उस वीडियो का भी लिंक इसी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से जाके देख लेना। तो दोस्तों, मैं बताता हूँ क्रिएट स्लाइड शो में आप कैसे वीडियो बना सकते हो। तो आपको इसको क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे साइज सेलेक्ट करना है, आपको जो भी साइज लेना है आपको यहाँ से साइज सेलेक्ट कर लेना है। ये देखो 9.16 1.1 ले सकते हो आप रेशो। तो मैं आपको यहाँ पे बैक आ जाता हूँ, बैक आएगा 9.16 ले लेता हूँ, उसके बाद ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपका गैलरी ओपन हो जाएगा, गैलरी में से आपको कम से कम 4-5 फोटो ले लेना है। तो मैं यहाँ से अपने 4-5 फोटो ले लेता हूँ, तो यहाँ से मैं 5-6 फोटो अपना ले लेता हूँ कम से कम। मैंने यहाँ पे 6 फोटो अपना सेलेक्ट कर लिया, तो यहाँ पे सेलेक्ट करने के बाद मैं इसको डन कर देता हूँ। तो मैंने इसे सिलेक्ट कर लिया, सिलेक्ट करने के बाद डन कर दिया। उसके बाद आपको अगर फोटो को इरेज करना है या इफेक्ट लगाना है तो आप यहाँ से लगा सकते हो। यहाँ पे जो पेंसिल का आइकॉन दिख रहा है आपको, यहाँ पे आप जाके इसको इरेज कर सकते हो फोटो को। ये देखो, यहाँ पे क्रॉप कर सकते हो अपने, जितना आपको क्रॉप करना है आप क्रॉप कर सकते हो। ये देखो, आप इस हिसाब से अपने फोटो को क्रॉप कर लेना। उसके बाद आपको यहाँ फुल करना है, फुल कर लेना। उसके बाद मैं इसको डन कर देता हूँ। डन करने के बाद दोस्तों यहाँ पे फिल्टर का आइकॉन मिल जाएगा, आप यहाँ पे फिल्टर कर सकते हो अपने फोटो को। जो भी आपको फिल्टर करना है आप यहाँ से कर सकते हो इस तरह का फिल्टर। तो उसके बाद आपको डन कर देना है, डन करने के बाद आपको यहाँ पे ओके कर देना। तो दोस्तों, आप इसी तरह एक एक फोटो को आप अपना एडजस्ट कर लेना, उसके बाद आपको यहाँ पे डन कर देना ऊपर। तो डन करने के बाद आपको इस तरह का स्क्रीन मिल जाएगा, तो यहाँ पे आपको स्लाइड शो मिलेगा। तो आपको कहना है यहाँ म्यूजिक है तो आपको म्यूजिक लगाना है, अगर कोई म्यूजिक लगाना है तो आप यहाँ से इसको सिलेक्ट करके सिलेक्ट म्यूजिक पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको जो फोन में MP3 गाने हैं आप यहां से सिलेक्ट कर सकती हूं। तो मैं एक MP3 गाना ले लेता हूं कोई सा भी, यहां से यूज कर लेता हूं। तो यहां पे मैंने कर लिया यूज। उसके बाद आ जाते हैं यहां पे इफेक्ट है, तो आपको यहां पे इफेक्ट मिल जाएगा। ये देखो, यहां पे इस तरह का इफेक्ट मिल जाएगा, आप यहां पे कई सारे आपको इफेक्ट मिल जाएंगे टेम्पलेट टाइप के। तो यहां पे ये देखो इस तरह का टेम्पलेट है, आप यहां से इसे यूज कर सकते हो। ये देखो, यहां पे बहुत सारे आप किसी को भी यूज कर लेना, जो भी आपको अच्छा लगे यहां पे टेम्पलेट आप यहां से यूज कर लेना दोस्तों। ये देखो, तो यहां से मैं एक सेलेक्ट कर देता हूं, तो ये वाला मैंने सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद मैं आ जाता हूं बैक। तो दोस्तों, बैक आने के बाद यहां पे आप मैं दिखाता हूं, यहां पे ट्रांजिशन है। तो यहां पे आपको मूव होगा, जो स्लाइड शो फोटो है ना आपको मूव होगा, आपको होगा या डाउन होगा या लेफ्ट होगा या राइट होगा, इस तरह का आप कर सकते हो। तो ये देखो, ये मेरा लेफ्ट में है, ये मेरा लेफ्ट में फोटो स्लाइड शो होगा। तो यहां पे मैं राइट करना चाहूँ तो राइट भी कर सकता हूँ। ये देखो, इस तरह का राइट होगा, तो यहाँ पे राइट हो जाएगा। फिर डाउन करना है तो डाउन का भी ऑप्शन है आपको, यहाँ डाउन पे होगा। ये देखो, इस तरह का डाउन होगा। फिर अप है तो अप पे भी होगा, तो इस तरह मूव होगा ये फोटो। तो आप इस तरह बना सकते हो। ये देखो, यहाँ पे रेडम है तो रेडम में होगा, फ्लिप राइट है तो फ्लिप राइट में होगा, मतलब बैकअप। तो ये देखो, फ्लिप राइट है तो आपको यहाँ पे कई सारे इफेक्ट मिल जाएंगे, तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे फिल्टर है, आप यहाँ पे फिल्टर भी कर सकते हो, जो भी अपने फोटो को वीडियो को फिल्टर करें आप यहाँ से कर सकते हो वीडियो को फिल्टर। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे स्पीड है, आपको स्पीड पे भी क्लिक करना है। अगर आपको स्पीड इसका ज़्यादा या कम करना है आप कर सकते हो, अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना इसको। उसके बाद आपको करना क्या है, उसके बाद ये ऊपर आपको शेप का ऑप्शन आ रहा है, आप यहाँ पे जाके सेव कर देना। तो मैं इसको सेव कर देता हूँ। सेव करने के बाद यहाँ पे आपको जो वाटर मार्क है वो रिमूव हो जाएगा, तो आपको रिमाइंडर पे आपको क्लिक करना है। रिमाइंडर पे क्लिक करने के बाद आपको इसको सेव करना है। तो ये मेरा वीडियो सेव हो रहा है दोस्तों। तो दोस्तों, ये मेरा डाउनलोड हो चुका है स्टेटस, और मैंने इस तरह का स्टेटस क्रिएट कर दिया, आप देख सकते हो यहाँ पे। तो इस तरह आप भी अपना स्टेटस बना सकते हो ये स्लाइड शो वाले। तो दोस्तों, अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कर दे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे। जय हिंद दोस्तों।